सुनो 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 सुनो, अब आ गया है दो टोकन वाला लूडो फैंटेसी, जल्दी खेलो। क्या बात है, अरे फोन निकालो और डाउनलोड करो, अभी नहीं किया तो कब किया। प्लेयर्स इंतजार कर रहे हैं। वाह, अपना नया मेड इन इंडिया स्टाइल वाला लूडो फैंटेसी। 6 फरवरी को दोपहर 12 बजे से 3 बजे तक किसान प्रदर्शनकारी चक्का जाम की तैयारी में है। कृषि कानूनों की वापसी और न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी की मांग को लेकर किसान दिल्ली बॉर्डर पर 2 महीने से अधिक से जमे हुए हैं। किसान नेताओं ने कहा है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड को छोड़कर पूरे देश में नेशनल हाईवे पर चक्का जाम करने की योजना है। दिल्ली में चक्का जाम नहीं होने के बावजूद भी 50,000 सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन को अलर्ट पर रखा गया है। लोनी बॉर्डर सहित कई जगहों पर हालात को मॉनिटर करने के लिए ड्रोन कैमरे का इस्तेमाल किया जा रहा है। 26 जनवरी को किसानों की ट्रैक्टर रैली के दिन दिल्ली में हुई हिंसा के बाद दिल्ली पुलिस अधिक सतर्कता बरत रही है। सिंघू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। टिकरी बॉर्डर पर ड्रोन कैमरे से दिल्ली पुलिस नजर रख रही है। 26 जनवरी के दिन लाल किले के परिसर में उपद्रवियों द्वारा हिंसा किए जाने के बाद लाल किले की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ताजा अपडेट ये है कि दिल्ली मेट्रो के लाल किला, जामा मस्जिद, जनपद, केंद्रीय सचिवालय, विश्वविद्यालय, मंडी हाउस, मेट्रो स्टेशन बंद कर दिए गए हैं। माने स्टेशन पर कोई यात्री एंट्री या एग्जिट नहीं कर सकते, इन स्टेशन पर इंटरचेंज की सुविधा उपलब्ध है। हरियाणा पुलिस भी हाई अलर्ट पर। ऑल इंडिया किसान सभा हरियाणा के सेक्रेटरी दयानंद पूनिया ने समाज के सभी वर्गों से चक्का जाम को सपोर्ट करने की अपील की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि बहुत जरूरी होने पर ही घर से निकलें। हरियाणा के ADGP लॉ और ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क ने सभी जिले के पुलिस अधिकारियों को अलर्ट पर रहने को कहा है और चक्का जाम के लिए उचित इंतजाम करने को कहा है। भारतीय किसान यूनियन के राकेश टिकैत 7 फरवरी को हरियाणा में 2 किसान महापंचायत में भाग लेंगे। ये महापंचायत टोल प्लाजा कितलाना जिला चरखी दादरी और अनाज मंडी बधरा चरखी दादरी में आयोजित होंगी। राकेश टिकैत का ट्वीट देखिए। इससे पहले राकेश टिकैत 5 फरवरी को ट्रॉली भर मिट्टी लेकर गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, जहां रोड पर कीले लगाई गई थी, वहां उन्होंने बाकियों के साथ मिलकर पौधे लगाए। किसान संयुक्त मोर्चा ने चक्का जाम को लेकर देश भर के किसानों से कुछ अपील भी की है, जैसे कि इमरजेंसी और आवश्यक सेवाओं जैसे एम्बुलेंस, स्कूल बस आदि को नहीं रोका जाएगा। दिल्ली NCR में सभी विरोध स्थल पहले से ही चक्का जाम मोड में है, इसलिए यहाँ अन्य कहीं चक्का जाम नहीं होगा। दिल्ली में प्रवेश की सभी सड़कें खुली रहेंगी, सिवाय उनके जहां पहले से ही किसानों के पक्के मोर्चे लगे हैं। आपके लिए खबर लिखी हमारे साथी आदित्य ने। मेरा नाम है दिव्यांशी, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।